बहादुर सिंह चौहान है, मैथपुर विधानसभा के दबंग नेता है। अच्छा, बढ़िया बढ़िया बना। हाँ, किसने करवाया? बहादुर सिंह चौहान है। हरबाघेट डैम, वो डैम, रोड शोड सब बनाए, बढ़िया काम चल रहा है। हाँ। और अच्छा काम आगे भी चलेगा। गुंडागर्दी होती है। हाँ। जमीनों पे कब्जा होता है। हाँ। ये राम चल रहा है मैथपुर में, पिछले 20 साल में यही हुआ है। हाँ। इनने क्या कार्य किया? जिला सदस्य दो बार रह चुका है प्रताप सिंह आर्य, उनने क्या कार्य किया उनसे जाके पूछिए जरा एक बार। और ये विधायक बनने के बाद में चारों तरफ रोड का जाल, हॉस्पिटल, स्कूल, और जब तक वो रहेंगे जब तक मैथपुर तहसील में कोई आंच नहीं आएगी, नहीं आएगी। व्यवस्था वही सब बढ़िया व्यवस्था कर दी, और क्या व्यवस्था करें, मौज होगी, आनंद है। जो लोग कहते हैं भय की राजनीति, तो भय उनको है जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। नहीं, जो बहादुर सिंह जी ने करवाया वो तो और कोई नहीं करवा सकते, पॉसिबल नहीं, उनने अच्छा विकास करवाया है। नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हैं और अभी मैं महितपुर के झारड़ा में हूँ और यहाँ पे एक दुकान है जहाँ समरसिबल वगैरह ठीक किए जाते हैं। किसान भी यहाँ पर आए हुए हैं। ये कौन सी कंपनी की मोटर लेके आए हैं आप? कौन सी कंपनी की मोटर? कंपनी का नाम भी किसान ही है। किसान, किसान। हाँ, कितने एचपी तक की मोटर लगती है? 10-8। मिस्त्री हैं तो आप मैकेनिक हैं यहाँ पे? मैकेनिक। अच्छा, मैकेनिक ये हैं। क्या चलता है पानी वानी का यहाँ पे मोटर वोटर का? जी भैया, कितने कितने एचपी की मोटर लगती है भैया? 10 HP, 12 HP, 15 HP तक मोटर चलती है यहाँ पे। पानी वानी का क्या प्रबंध है खेतों में, क्योंकि किसानों से आपका तो बड़ा जुड़ाव होगा? अच्छा खासा है भैया, हमारे क्षेत्र में कोई तकलीफ नहीं है पानी की। तो जमीनी पानी है या कुछ और हुआ है? कुछ और भी है भैया, डैम वैम बने हुए हमारे यहाँ पे, डैम में सब चलती है मोटरें सभी अभी है। कितने साल से आप काम कर रहे हो ये? मैं 2010 से भैया। तो ये डैम कब बने हैं? डैम तो अभी 10-12 साल में ही बने भैया। अच्छा, तो डैम के बाद फिर कुछ सहूलियत हुई है किसानों को? हुई ना सब भैया, अच्छा खासा पहले से काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं किसान अब भैया। अच्छा, पहले पानी नहीं था, पानी सब पूरे क्षेत्र में पानी हो गया, पूरे महतपुर तहसील में। तो ये डैम वगैरह की जो बात करते हैं तो ये किसने करवाया फिर? बहादुर सिंह चौहान है, मैथपुर विधानसभा के दबंग नेता है। अच्छा, दबंग कहते हैं? दबंग कहते हैं, पूरे मैथपुर तहसील के दबंग ही है वो। अच्छा। हाँ, और जब तक वो रहेंगे जब तक मैथपुर तहसील में कोई आंच नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। काम वाम लोगों को ठीक मिलने लगे? बिल्कुल ठीक, क्या 100 में से 90% सुविधा हो चुकी है किसान को। अच्छा, आपको क्या लगता है भैया? विधायक जी आएंगे और क्या? बहादुर सिंह चौहान, एक ही बात है, एक ही बात है। पाइपलाइन हमारे गांव में भी। कौन सा गांव आपका? छज्जूखेड़ी। अच्छा, हाँ। कौन सी पाइपलाइन आ रही है? ये खेत की और गांव के पानी के सिंचाई के लिए, सिंचाई जो डैम से आती है, सिंचाई के लिए पाइपलाइन आ रही है। तो कब तक पानी आ जाएगा? बस यही है, शीघ्र की 2024 तक चालू हो जाएगा, विधायक जी की कोशिश तो यही है हमारी। ये कौन सा डैम बनाया फिर उसके लिए? सामाकोटा डैम बन गया है या बनेगा? चल रहा है, चल रहा है, उसका काम रनिंग में अभी। उसके लिए पाइपलाइन आप? हाँ, पाइपलाइन चालू हो गई है। इंदौक का चालू हो गया है। इंदौक में डैम का बड़ा जिक्र करते हैं लोग, तो पानी का मेन चीज़ किसान को तो पानी ही है। खेत में पानी आया जब तो किसान विकसित होगा। किसान बैठे, इनसे ही पूछता हूँ, बाबा कैसे हैं? वो तो रेट बंद हुआ हो। हाँ, बढ़िया 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 हो। हाँ, ये कह रहे हैं कि गांव-गांव में जो डैम बने हैं, बनी दिया के? हैं? बढ़िया बढ़िया बना। हाँ, किसने करवाया? बहादुर सिंह चौहान हैं। काई करनु फिर आपने? हाँ, ये आदमी बर्थडे हो तो। अच्छा, हाँ, बर्थडे वाले ने बिनपर का बोझा दे। हाँ, हाँ, पसंद है आपको? हाँ पसंद है। हाँ, हाँ, अब की बार जीत जाएगा? जीतेगा के कह रहे हैं कांग्रेस वाले सारे एक जगह इकट्ठा हो गए। बोले कोई भी जा भैया, एक जगह इकट्ठा हो गए सारे। हाँ, कह रहे हैं अब की बार इकट्ठे हैं तो जीतने नहीं देंगे। नहीं जीते, पाँच साल में को मुंडू बता रहे चुनाव। अरे नहीं जीते। अच्छा, हाँ, मैथपुर तहसील बगीचा दिया। अच्छा, आप सही है। ये जो डैम बने हैं, इससे पहले खेती कैसी थी और अब खेती में क्या? सब प्या बागी वही रहे टोटल। अच्छा, हाँ, पहले क्या पालो तो? हाँ, डैम भैया सब भैया व्यवस्था वही सब बढ़िया व्यवस्था कर दी, और क्या व्यवस्था करें, मौज होगी,
आनंद है, आनंद है। ठीक है जी, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। आप बताओ भैया क्या रहेगा आपकी बारी? यहाँ विधायक जी देंगे सर, बहुत सारे काम किए हैं, फूल बाल काम किए हैं, जो काम किए हरबाघेट डैम वो डैम या रोड शोड सब बनाए, बढ़िया काम चल रहा है और अच्छा काम आगे भी चलेगा। किसानों के लिए सबके लिए हित की बातें करते हैं वो। अच्छा हाँ, दिन रात को कभी भी चले जाओ उनके लिए अपने दुखड़े सुनते हैं वो, और किसान के नेता हैं वो, किसानों के लिए और व्यापारी वर्ग के लिए, युवा वर्ग के लिए, सबके लिए अच्छा कार्य किया है। जो लोग कहते हैं भय की राजनीति, तो भय उनको है जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उनको और बहादुर सिंह जी को ऐसा पसंद नहीं है। बहादुर सिंह जी को बिल्कुल शुद्ध सात्विक राजनीति करते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं सारे, एक तरफा बहादुर बिल्कुल साहब। झाड़ला के अंदर पहले आप जिस रोड पे घूम रहे हो, इसमें मेहतपुर से आने के लिए अब आते थे हम 2003 से पहले, तो इसमें कम से कम 2 घंटे आपको यहाँ पे झाड़ला पहुँचने के लिए लगता था, और ये विधायक बनने के बाद में चारों तरफ रोड का जाल, हॉस्पिटल, स्कूल, पानी, मतलब जनहितैषी जितनी भी योजनाएँ हैं इतनी सभी में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मध्य प्रदेश से जितनी तहसील है सबसे ज़्यादा पैसा लेके हमारे को ऋण वगैरह यहाँ पे दिलवाया है। झाड़ला के ये सब आप कोई प्रताप सिंह नहीं है, ये भाई मुक्त ये सब गलत बात हो। आ जाओ। ये कोई बात यार, मैं आपको सदस्य हूँ यहाँ था, यहाँ पर झूठी होती है, गुंडागिरी होती है, जमीनों पे कब्जा होता है, ये राम चल रहा है मैथुर में, पिछले 20 साल में यही हुआ है। ये तो मैथुर मेरे पास सर्वे है, हमारे पास सर्वे है, कौन बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है। इन लोगों के अगर काम नहीं होते तो सिर्फ बहादुर सिंह का बड़ी आरोप है, झूठे आरोप है जनता। कोई ये व्यक्ति ऐसा है, हर समाज को साथ में लेने वाला व्यक्ति है क्या, और ये लड़ाई झगड़े का कराने वाले लोग है। प्रताप भैया मात्र सिर्फ आरोप है। देखो प्रताप सिंह आर्य, तो प्रताप सिंह आर्य ने ऐसे कोई कार्य नहीं किया, और इनने भी अरे मेरी बात सुनो यार, इनको भी बोलने का मौका दो, मीडिया है बोलेंगे, सबको मौका मिलना चाहिए। जनपद सदस्य 2 बार रह चुके हैं ये, इनने क्या कार्य किया? जिला सदस्य 2 बार रह चुका है प्रताप सिंह आर्य, उनने क्या कार्य किया? उनसे जाकर पूछिए जरा, एक पानी की टंकी बनाई हो तो, अगर तहसील में ये उनकी तरफ से ही आए हैं, बता दिया ये 2 बार जनपद, हमारे जनपद में जो होटा आता है वो सारा काम हमने करा है, चाहे मेरे क्षेत्र में तानाहेड़ी हो, हमको बता, चाहे पानी की व्यवस्था हो, एक पानी की व्यवस्था, अगर मैं दाम नहीं धरता, यदि मैं दाम नहीं धरता तो दूसरी बार चुनाव जीता, मैं डबल चुनाव जीता हूँ और निर्दलीय जीता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से जीता हूँ, मैं निर्दलीय जीता हूँ। यदि मैंने दाम नहीं धरा होता तो आप कहते हैं निर्दलीय जीते हैं, अभी आप कह रहे थे हम भी बीजेपी में थे, अब छोड़ के बीजेपी में थे हम, सुनो, दो बार जीते तो इसका मतलब 10 साल से तो आप बीजेपी में नहीं थे, शुरू से बीजेपी में रहे साहब हम, इनने क्या करवाया? 10 साल से तो आप कह रहे हैं ना निर्दलीय जीत रहे हैं, इस चुनाव में निर्दलीय जीतना, इस चुनाव में निर्दलीय जीता हूं कुछ क्या, एक पानी की टंकी, मैं बताऊं मैं आपको, इन्होंने हमारे ऊपर झूठी एफआईआर करी, जनपद सदस्य और कुछ नहीं है सर, केवल बनी है, मैंने भरा थी, विधायक थे, वेरा उस थे, यहां पास में मेरी जनपद की राशि से भरा थी, बाउंड्री वाले तानाहेड़ी हम्मा में डूम बनवाया, तानाहेड़ी में पुले बनवाई, झाड़ा में तोमले से भरला मैंने दिया है, चौहान कब्रस्तान की वाल बाउंड्री बहादुर सिंह चौहान, ग्राम पंचायत वही ग्राम पंचायत नाने वाला बहादुर सिंह चौहान, ग्राम पंचायत की बाउंड्री बहादुर सिंह चौहान, झाड़ा में जितना भी विकास हुआ है, सब ग्राम पंचायत झाड़ा ने किया है, कोई विधायक ने काम नहीं किया झाड़ा में, बहादुर सिंह उन्होंने नीति बनाई के पैसा कैसे लिया जाए, ग्राम पंचायत के अंदर आय करी, आय का स्तर पैदा किया गया उस व्यक्ति ने, वो आय करके उसका निर्माण किया गया, मैं कि ग्राम पंचायत ने। आप बताओ भैया क्या लगता है, बहस तो बड़ी तगड़ी शुरू हो गई है यहाँ पे। नहीं नहीं, जो बहादुर सिंह जी ने करवाया वो तो और कोई नहीं करवा सकते, पॉसिबल नहीं, उन्होंने अच्छा विकास करवाया है, और सबसे बड़ा सुख जो पानी का है, हर घर पानी, हर खेत पानी, ये और कोई व्यक्ति नहीं करवा सकता, अच्छा विकास करवाया है और जीतेंगे भी भाई। ये बहादुर सिंह को लेकर के लड़ रहे हैं, कोई कह रहा है काम करवाया, कोई कह रहा नहीं करवाया, आपको क्या लगता है? कोई नहीं, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कोई कहीं नहीं है, काम करवाया उसने, काम कराया उसने। क्या बहादुर सिंह का सबका जानी जैसी व्यक्ति है, हर वर्ग को साथ लेने वाला व्यक्ति है। बहादुर सिंह जिंदाबाद, बहादुर सिंह जिंदाबाद, बहादुर सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद।
अब रुको, अरे रुको तो सही, अरे 60,000 वोट से आ जाते वोट, अरे आप 1,00,000 से पड़ता है। भगत सिंह जिंदाबाद, वो किसानों का नेता है यार, गरीबों का नेता है वो। अरे रुक जाओ रुक जाओ, पैसे वाला का नहीं, गरीब का नेता। रुको रुको, माहौल कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया, ऐसा ना हो कि लोग मारपिटाई पे उतर आए, इसलिए प्रोग्राम को यहीं पे बंद करते हैं। और ये लोग प्यार से लड़ते हैं या फिर एक दूसरे के लिए लड़ते हैं, ये तो आप लोग ही जानते होंगे। बहादुर सिंह के लिए जो ये लोग कहते हैं या फिर अभी प्रताप के लिए लोग कहते हैं, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। कैमरा जतिन के साथ सत्यदेव शर्मा। सत्य सटीक बेबाक।